अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि तोशाखाना रेफरेंस नैब ने इमरान खान को 9 मार्च को तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी की जानिब से इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मजीद तफसीलात जानेंगे। एहतशाम अली अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जी एहतशाम, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को नैब ने नोटिस जारी कर दिया और नोटिस जारी करने के बाद उनको नैब रावलपिंडी ऑफिस जो कि G6 में मौजूद है उस ऑफिस में 2:30 पर उनको तलब किया गया। 9 मार्च को खान साहब 2:30 पर नैब ऑफिस जो है उनको तलब किया गया है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो आज की दूसरी बड़ी खबर है, इससे कबल चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दिया और ज़राए के मुताबिक उनके ऊपर भी इमरान खान के खिलाफ केस बनाने का दबाव था। वो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, एक तरफ उनका इस्तीफा जो है जैसे ही मंजूर हुआ, दूसरी जानेब नैब ने इमरान खान को नोटिस कर दिया। 9 मार्च को नैब रावलपिंडी ऑफिस में उनको तलब किया गया। जी ठीक है, तो शाम अली अब्बास तफसीलात से आगाह कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि तोशाखाना रेफरेंस नैब ने इमरान खान को 9 मार्च को तलब कर लिया है। नैब रावलपिंडी की जानिब से इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया गया है। आज सुबह जो खबर सामने आई थी कि चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, बल्कि ये कहा गया कि उन पर दबाव था जिससे इस्तीफ़ा लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके इस्तीफे के फौरी बाद अब यह खबर भी सामने आ गई है कि इमरान खान को नैब ने तोशाखाना रेफरेंस में 9 मार्च को तलब कर लिया है।